हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है ब्लू डॉट नेटवर्क। यूएसए ने लॉन्च किया है इस ब्लू डॉट नेटवर्क को इन कोलैबोरेशन विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड इसकी एम क्या है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ एंड प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के साथ जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बेसिकली उसकी क्वालिटी को प्रमोट करना, एंड इसके थ्रू रेटिंग मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा। तो इसमें सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ताकि एक रेटिंग मैकेनिज्म डेवलप किया जा सके एंड बिल्डिंग्स को अकॉर्डिंगली क्लासीफाई कर सके हम कौन सी बिल्डिंग्स को जो मार्केट ड्रिवन नॉमिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको। ठीक है जी, तो इनकी जो वेरियस पैरामीटर्स होंगे, फिलहाल हमारे पास उतनी डिटेल नहीं है, लेकिन जो बेसिस होगा, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, तो इन सब पैरामीटर्स के ऊपर बिल्डिंग्स को रेट किया जाएगा। ठीक है जी, एंड इंडो पैसिफिक रीजन में इस प्लान को फिलहाल स्टार्टिंग में अप्लाई करने की जो कोशिश है, एंड इट इज़ होप्ड कि वर्ल्ड वाइड भी इस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। ठीक है जी, एंड इट वुड बी इट इज़ बिलीव्ड कि एक डायरेक्ट काउंटर होगा टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन नियर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप की मीट होने वाली है, तो उसी के एक एजेंडा में है ये भी कि इंडिया भी इसको एंडोर्स करेगा। एंड BRI से ये डिफरेंट कैसे है, BRI प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, लोन देता है, लेकिन इसमें वैसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। इट वुड नीदर फंड द प्रोजेक्ट्स नॉर उनके जो कुछ डिटेलिंग है उसमें कोई पार्ट लेगा ये, एंड इट विल ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो जो वेरियस पैरामीटर्स क्या हो सकती हैं, डेट, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, लेबर स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा, तो इन सब बेसिस के ऊपर जो बिल्डिंग्स हैं उनकी रेटिंग होगी। ठीक है जी, एंड मोर ओवर इसके थ्रू हम चाह कह रहे हैं कि सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बने एंड अकॉर्डिंगली जो एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें हम, एंड जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़े, वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। तो ये काफ़ी ऐसे फॉरवर्ड लीनिंग प्रोजेक्ट हो सकता है अगर जो वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज हैं वो इसको सपोर्ट करे तो। ठीक है जी, एंड इसकी एंडोर्समेंट के बाद एक साउंड फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल ट्रस्ट टाइप स्टैंडर्ड्स बनाने की है हमारी, एंड इसको रेप्लीकेट करने का भी जो प्लान है कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल माइनिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिसर्च एट्सेट्रा, तो इन सब जो सेक्टर्स में इसको अगर हम रेप्लिकेट करेंगे तो अकॉर्डिंगली हो सकता है कि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ, जो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की तरफ हम जो सोच है उसको बढ़ा सकें। तो बेसिक चीज़ें जो इस पिक्टोग्राफ में काफ़ी क्लियरली डिपिक्टेड हैं कि मार्केट ड्रिवन है ये, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट्स होंगे जैसे कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में है। दूसरी चीज़ क्या है कि सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखेगा ये, फाइनेंशियली सस्टेनेबल बिल्डिंग्स होंगी तो इसका भी ध्यान रखेगा, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल प्रोसेस डेवलप करेंगे, एंड ओपन एंड इंक्लूसिव है ये। तो इनफैक्ट जो आर्टिकल आया है उसमें इसको मिशेलिन जो रेटिंग्स होती हैं, हमारे रेस्टोरेंट की रेटिंग्स हैं, वन स्टार, टू स्टार रेटिंग, जो मिशेलिन रेटिंग्स हैं, तो उसी की तरह इसको ओपन एंड इंक्लूसिव बनाने का एक एजेंडा है। तो दोस्तों ये भी एक ऐसे साइड फैक्ट ही है कि मिशेलिन रेटिंग्स आर रिलेटेड विद फूड। ठीक है जी, सो टायर से कन्फ्यूज मत करिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिकल स्वाइन फीवर। तो सबसे पहले न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने, ICAR के साइंटिस्ट ने क्लासिकल स्वाइन फीवर की वैक्सीन डेवलप की है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव होगा जो हमारी ऑलरेडी लेपनाइज्ड CSF वैक्सीन है उसका। तो पिग्स सबसे पहले तो प्रोमिनेंटली आप जान लीजिए कि 10% जो कंट्री की मीट प्रोडक्शन है वो पिग्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें, तो दैट इज़ वाई एक मेजर कंसर्न का ये इशू है कि CSF काफ़ी डेडली डिजीज़ है इन पिग्स एंड स्वाइन्स, एंड अकॉर्डिंगली मेजर नंबर ऑफ डेथ्स इसकी वजह से होती हैं। तो हमारी इकॉनमी जो है काफ़ी मेजरली हिट होती है, ये जो सेक्टर है हमारा मीट प्रोडक्शन का सेक्टर है, ये डायरेक्टली इम्पैक्टेड है, एंड ये डेडली डिजीज़ है, तो अकॉर्डिंगली अगर इसका हम क्योर ढूंढ पा रहे हैं या वैक्सीन डेवलप कर पा रहे हैं तो ये एक मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट है। ठीक है जी, एंड इससे पहले जो हमारी ऑलरेडी जो करंटली हम यूज़ कर रहे हैं वैक्सीन, जो कि लेपनाइज्ड CSF वैक्सीन है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो उसकी जो टेस्टिंग होती है रैबिट्स के ऊपर होती है। तो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि मई या जून के अराउंड हमने प्री क्योर में ही डिस्कस किया था, एक टेस्ट होता है, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड इनफैक्ट जो एक कमीशन बनाया गया था गवर्नमेंट का, जो रिकमेंड कर रहा था कि वो टेस्टिंग हम बंद कर दें। तो अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो हम प्री क्योर में आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन डेवलप करेंगे, तो वहाँ पर यू कैन आंसर दैट, है ना। तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो एज वेल, ताकि आपका एक लिंक बन जाए दोनों चीज़ों के साथ, एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पर भी आप जो नई चीज़ें हैं वो सीख सकें। ओके, कमिंग बैक, तो उस टेस्ट को
बेसिकली कमीशन ने रिकमेंड किया कि आप इसको बंद कीजिए एंड अकॉर्डिंगली अब ये जो नई वैक्सीन है इनफैक्ट उसी के इन लाइन ही फॉल कर रही है, क्योंकि इसमें कोई रैबिट्स के ऊपर टेस्टिंग नहीं होगी एंड इससे हमारी रैबिट्स की पॉपुलेशन भी बच जाएगी। एंड CFS की अगर आप बात करें तो काफ़ी मोर्टेलिटी हाई रहती है इसकी वजह से, एंड इनफैक्ट इसका जो डायरेक्ट हम एविडेंस है कहाँ पर देख सकते हैं कि 2012 के सेंसस में जो हमारे पास नंबर्स थे उनमें से मेजरली डिक्लाइन होता है 2019 के टाइम पर जब हम देख रहे हैं पिग्स की पॉपुलेशन को। एंड इस वैक्सीन की और ख़ास बात क्या है कि ये गवर्नमेंट का जो वन हेल्थ इनिशिएटिव है उसका एक मेजर पार्ट बनेगी एंड मोरोवर इंश्योर करेगी कि जो ये वायरस है ह्यूमंस तक ना पहुंचे, तो इसलिए जो पासिंग ऑन टू ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर पाए। ठीक है जी, एंड CSF के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो एक इसको हॉग कॉलरा भी बोलते हैं एंड ये कंटेजियस वायरल डिजीज़ है, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड स्वाइन्स में होता है। मोरोवर जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है उन्होंने भी इसको अपनी डिजीज़ लिस्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है जी, अब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है ये, या जो वायरस है वेरियस रीजन से जो शेड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सलाइवा, नेजल सिक्रीशन, यूरिन, फीसिस एट्सेट्रा, उन सब की वजह से भी इसकी जो ट्रांसमिशन है आगे बढ़ती रहती है। बट प्रेजेंटली अगर हम देखें तो ह्यूमंस आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस वायरस। इसके बाद हम बात करते हैं विक्रम साराभाई सैनिटरी प्रोग्राम की। तो इनफैक्ट जो विक्रम साराभाई थे उनके बर्थ को 100 ईयर्स हो गए हैं, तो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है इसरो एंड उन्होंने 100 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं इन 100 सिलेक्टेड सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। इसके अलावा एक कमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च किया गया है इसी ओकेजन पर एंड जो इनॉग्रल इवेंट था इस पूरे सेंटेनरी प्रोग्राम का वो अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ, जो कि बर्थ प्लेस थी विक्रम साराभाई की। एंड इसमें वेरियस स्टूडेंट्स ने, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया अलॉन्ग विद नोटिस साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सॉरी, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके साथ ही एक स्पेशल एग्जीबिशन भी चलाया गया स्पेस ऑन व्हील्स, जो कि जगह जगह जाकर ऐसे स्पेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही थी गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो इसके साथ ही स्पेस एग्जीबिशन, कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा ऑर्गेनाइज किए गए ताकि बच्चों का जो रुझान है हम साइंस की तरफ ले जा सकें, स्पेस की तरफ ले जा सकें। अब विक्रम साराभाई के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 12 अगस्त 1919 को उनका जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में एंड जो उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ पर रही है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL को सेटअप किया उन्होंने 1947 में। इसके बाद ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप ऑफ इसरो इटसेल्फ, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में उनका मेजर रोल था। 15 अगस्त 1969 को इसरो को सेटअप किया गया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इसके बाद उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी थिरुवनंतपुरम केरला में सेटअप किया। तो साराभाई का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट, तो इसरो ने इसको 1975 में 4 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ पूरा किया एंड एयरबॉर्न रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुली कंडक्ट किया। एंड हमारे लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका कहना था कि डॉक्टर साराभाई वॉज द महात्मा गांधी ऑफ इंडियन साइंस। ठीक है जी, एंड फाइनली जाते जाते थोड़ा डिफेंस के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। INS कारांज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, एक स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है। स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स कौन सी हैं, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स आर द स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स। ठीक है जी, प्रोजेक्ट 75 के अंडर बनाई जा रही हैं इंडियन नेवी के लिए एंड दे हैव द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। तो अगर हम स्पेसिफिकली कारांज की ही बात करें तो इसमें स्कॉर्पिन क्लास के जो मेजर फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे स्टेल्थ फीचर्स, स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल एकूस्टिक साइलेंसिंग टेक्निक्स, लो रेडिएटेड नॉइस लेवल्स, हाइड्रोडायनामिकली ऑप्टिमाइज्ड शेप एंड एबिलिटी टू लॉन्च अ क्रिपलिंग अटैक ऑन द एनिमी थ्रू प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स। तो इन सब फीचर्स को पूरा करेगी हमारी ये INS कारांज। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन का मतलब भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक का मतलब है कि जो पावर्ड है, जो आपकी सबमरीन है वो पावर कहाँ से ले रही है, तो वो डीजल इंजन, डीजल फ्यूल से ले रही है। एंड देन वी हैव न्यूक्लियर अटैक सबमरीन एज वेल, तो उनमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते, उसका मतलब है कि न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करके वो अपनी पावर जनरेट कर रही है। ठीक है जी, एंड जो अटैक इसमें टॉर्पीडोज वगैरह आप लगा सकते हैं, तो वेरियस स्टेल्थ फीचर्स यहाँ पर हमने बताए हुए हैं, तो वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। एंड ऑल्सो जैसे मल्टीफेरस टाइप ऑफ मिशंस कर सकती है हमारी ये जो क्लास है सबमरीन्स की, वो कौन से हैं, एंटी सर्फेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइंड लिंग,
एंड एरिया सर्वेलेंस एक्सेट्रा. तो कौन सी सबमरीन बेटर है, कैसे पता चलता है कि कितने टाइम तक वो वाटर के नीचे रह सकती है? तो जितनी बेटर टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की होगी उतनी बेटर टेक्नोलॉजी वो मानी जाएगी. ठीक है जी. एंड जो अटैक्स हैं दे कैन बी कैरिड आउट विद टॉरपीडोज बोथ वाइल सबमर्ज्ड और ऑन द सर्फेस. तो ऐसे मल्टीफेरस वॉरफेयर में इस तरीके से जो INS कारांच है वो इफेक्टिव है. तो इस क्लास की जो स्कॉर्पिन क्लास है हमारी, इसकी 6 सबमरीन्स डेवलप की है इंडिया ने एंड कुछ डेवलप हो चुकी हैं, कुछ टेस्टिंग फेज में हैं. तो वो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जैसे एक कलवारी है एंड INS वेला है एट्सेट्रा. तो वो आप देख लीजिएगा कौन कौन सी है. एक खांडेरी है इसी क्लास की. सो ऐसे आपको क्लास के बेसिस पर जो डिफ्रेंसिएशन पता होनी चाहिए स्पेसिफिकली ऑफ द इंडियन नेवल शिप्स. इसके अलावा आप सोशल लाइफ में तो क्लास की डिफ्रेंसिएशन अवॉइड कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल. थैंक यू.